पवित्र नगरी पन्ना को मंदिरों और हीरों के लिए जाना जाता है, लेकिन पन्ना के दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों के बीच प्रकृति का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलता है। हजारों फीट ऊंचाई से यहाँ दूधिया पानी गिरता है। हम बात कर रहे हैं पन्ना के बृहस्पति कुंड की। इसे देखने के लिए यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुँच रहे हैं। पन्ना में पहाड़ियों पर से जगह जगह झरने बहते देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है। प्रकृति की सुंदरता भी निखर उठी है। बारिश की वजह से पन्ना का बृहस्पति कुंड भी अपने पूरे शबाब पर है। बृहस्पति कुंड का झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि कभी यहां दुर्गम पहाड़ों के कारण डकैतों का कब्जा था, आम लोग नहीं जा पाते थे। अब डकैतों के खात्मे के बाद हालात बिल्कुल उलट हैं और लोग बड़ी संख्या में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी आ जाते हैं। बृहस्पति कुंड पन्ना मुख्यालय के पहाड़ी खेरा से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ मान्यता है कि इस कुंड में देवताओं के गुरु बृहस्पति ने तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम भगवान बृहस्पति के नाम पर बृहस्पति कुंड पड़ा। कुंड में भगवती दास महाराज और मोनी बाबा के शिष्य महंत रामचरण दास और लक्कड़ बाबा तपस्या करते हैं। भगवान मृत्यु लोक में आए हैं, गुरु बृहस्पति धाम है और ये अनादों से पाई हुई उनकी शक्ति पाई जा रही। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषियों के गुरु हैं और ये गुरु यहाँ तपस्या करते थे। तब उसी इतिहास में सूर्य देवता आए तो सूरज कुंड भी है, उनने अपने गदा से प्रहार किया और ये गुरु बृहस्पति जी जो है गंगा जी जाते थे, इच्छाधारी थे, तो ये कुंड जो है उनकी पंडवा जब मिलने आए थे तब उनने एक भाई ने मारा था गदा था, तो गंगा जी से बोला है बृहस्पति कुंड। और इत एक पत्तालिया कुंड है और ये बेधक कुंड है, एक गड़ोर कुंड है, ये विष्णु कुंड है, एक हत्याहरण कुंड है। ये 7 कुंड है, यहाँ 7 कुंडों में अलग अलग इतिहासों की चीजें हैं। बारिश में बृहस्पति कुंड का झरना और भी खूबसूरत हो जाता है। बृहस्पति कुंड का झरना जमीन से करीब 1,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। यहाँ इसके अलावा 6 कुंड हैं, जिनके नाम सूखा कुंड, सूर्य कुंड, गंदा कुंड, अमृत कुंड, पार्वती कुंड, शिव कुंड है। वैसे तो जिले में छोटे बड़े 15 झरने हैं, लेकिन बृहस्पति कुंड का झरना अलग ही है। यहाँ जिले का सबसे गहरा और सबसे चौड़ा झरना है। ऐसी मान्यता भी है कि जब भगवान राम चित्रकूट का वनवास काटकर लंका की ओर बढ़े थे तो 86,000 ऋषियों ने उनसे निशानी के तौर पर कुछ मांगा था। तब भगवान राम ने लोगों को यहाँ हीरा और पानी की कभी कमी ना होने का वरदान दिया था। यही कारण है झरने की नदी के दोनों किनारों पर लोग हीरा खोजते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।